अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जी हाँ, आप देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है, ये गुजरांवाला नौशहरा रोड वाला कब्रिस्तान है, जो गुजरांवाला का सबसे बड़ा और कदीम कब्रिस्तान कहलाता है। ये वाकई में ही बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। जिधर जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे ना, तो वहाँ वहीं कब्रें ही कब्रें हैं। आज मैं इस जगह पर इसलिए पहुंचा हूँ, आज मेरे रिलेटिव में डेथ हो गई। मेरे करीबी अंकल, मेरे वो आज दुनिया फानी से रुखसत हो गए, तो आज उनकी इस कब्रिस्तान में तदफीन है। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। यहाँ पर जितने भी मुसलमान बहन भाई दफन है, अल्लाह पाक सबकी मगफरत फरमाए। हमारे जितने भी रिश्तेदार फौत हो चुके हैं, अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमाए। ये मेरे अंकल यानी मेरे खालू, जिनकी वफ़ात हो चुकी है, आज इस कब्रिस्तान में उनकी तदफीन है। इंसान जहाँ भी हो, मौत उसको घेर लाती है। मेरे खालू बाहर के मुल्क कवैत में अपनी फैमिली के लिए रिजक रोटी कमा रहे थे, वहाँ पर इनकी तबीयत ख़राब हुई। हार्ट के पेशेंट थे, तो बस हार्ट अटैक हुआ और अल्लाह को प्यारे हो गए और बंद बॉक्स में ये पाकिस्तान वापस लौट गए। इंसान क्या कुछ सोचता है अपने बीवी बच्चों फैमिलियों के लिए, मगर कुछ प्लान अल्लाह पाक कर रहा होता है। तो बस यही है कि इंसान बेबस है, अपने मामलों में सब कुछ भूल जाता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें 5 वक्त नमाज और कब्र की तैयारी और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अच्छे माल से इस दुनिया में रुखसत हो जाएं। और जो ये सब लोग दफन हैं, अल्लाह पाक इनकी बख्शिश फरमाए, मगफिरत फरमाए। देखें आप, हर जगह कब्रें ही कब्रें हैं। कितने लोग थे ये जिंदा, आज ये मुर्दों में शामिल है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सेहत आफियत वाली ज़िंदगी सबको बख्शे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सख्त भी है, अल्लाह रहमत वाला भी है। बस अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाए। आप देख सकते हैं मैं कितना मतलब चल रहा हूँ, मगर कब्रिस्तान ख़त्म होने को नहीं है। कितनी दुनिया इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है और इन कब्रों में दफन हो चुकी है। यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी ऊंची जात वाले सब लोग, नीची जात वाले सब लोग एक जगह दफन है। तो अल्लाह पाक से दुआ है मेरी कि मुझे अच्छे काम, नेक काम, और आप सब जो देख रहे हैं वीडियो, आप सबको अल्लाह ताला भी नेक काम और 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो जाने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरे लिए, अपने लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत के साए में रखे। खुदा हाफिज़।